तो गाइस अगर आप YouTube पर फैक्ट वीडियोस बनाते हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप मेहनत करके अपने चैनल पर 10-12 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करो एंड आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से YouTube आपके चैनल को आरजी फैक्ट बॉय की तरह डिलीट कर दे। एंड यार अकेले आरजी फैक्ट बॉय का चैनल डिलीट नहीं हुआ है, 6 मिलियन वाला अमे फैक्ट चैनल एंड 6 मिलियन वाला ही मिस्टर फैक्ट बॉयज चैनल यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि यूट्यूब ने ऐसा क्यों किया या फिर इन क्रिएटर्स की कुछ गलती थी एंड क्या अब आगे आपको जो है फैक्ट वीडियोस बनाने चाहिए या फिर आपको वॉइस ओवर वीडियोस बनाने चाहिए, क्या वॉइस ओवर एंड फैक्ट शॉर्ट्स मोनेटाइज होंगे या फिर नहीं होंगे। तो यार सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। क्यों करने का फायदा आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा, कर तो दो आप। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि YouTube ने इन्हीं के चैनल्स को डिलीट क्यों किया है। इट्स तरुण 07, फैक्टो महेश, फैक्टोहोलिक, इनके चैनल को डिलीट क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि इन तीनों चैनल्स में एक चीज कॉमन थी और वो थी ये बंदे क्या है कि दूसरे कंट्री के वीडियोस को डाउनलोड करके, फेसबुक से डाउनलोड करके उन पर अपनी वॉइस ओवर करके अपलोड करते थे। तो यार अब आप में से काफी सारे बंदे बोलेंगे कि अगर फॉरेनर्स के वीडियोस को पर वॉइस ओवर करने की वजह से चैनल डिलीट हो रहे हैं तो फैक्टडाउन का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो भी तो दूसरे देश की वीडियो को डाउनलोड करके वॉइस ओवर करके डालता है। तो देखिए गाइस, जब मतलब एफएक्स फैक्ट का चैनल आज से एक महीने पहले डिलीट हुआ था तब आरजी फैक्ट बॉय का डिलीट नहीं हुआ था, जबकि इनका कंटेंट सेम था। एंड अब आरजी फैक्ट बॉय का चैनल जब डिलीट हुआ है तो फैक्टडाउन का नहीं हुआ, अब आगे का किसने देख लिया। लेकिन ये देखो, देखा गया है, ऐसा देखा गया है कि जो भी चैनल डिलीट हुए हैं वो मतलब दूसरे कंट्री के वीडियोस पर वॉइस ओवर करके डालते थे। एंड इट्स तरुण 07, फैक्टोहोलिक, फैक्टो महेश, ये बंदे जो है इंडिया के वीडियोस पर वॉइस ओवर करते थे, समझ गए ना। एंड दूसरी बात यह कि ये तीनों बंदे फैक्ट वीडियोस बनाते ही नहीं थे, फैक्ट वीडियोस में और ये जो बनाते थे उसमें यार जमीन आसमान का अंतर है। तीन ऐसे रीति रिवाज जिनके पीछे का साइंस जानकर बहुत टाइम के बाद आ जाओ फिर से यही बोलोगे। दोस्तों ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर एक भूतिया गिफ्ट लेकर आता है। तो देखिए गाइस, भुवन बाम का ताजा कवर वेब सीरीज हॉटस्टार पर रिलीज हुआ है। अब अगर कोई बंदा अपना दिमाग लगाकर, अपनी तिगड़म लगाकर उस वेब सीरीज को डाउनलोड करके यूट्यूब पर अपलोड कर देगा तो यूट्यूब को उस चैनल को ही डिलीट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए गाइस, भुवन बाम ने अपना पैसा खर्च करके उस वेब सीरीज को बनाया है और आप उसको यूट्यूब पर डाल के पैसे कमा लो, क्या हॉटस्टार ऐसा होने देगा? बिल्कुल भी नहीं होने देगा। एंड ऐसा ही सीन इनके साथ हुआ है। तो देखिए गाइस, ये बंदे जो विदेशियों के वीडियोस उठाते थे उनको कोई ना कोई एजेंसी, कोई ना कोई कंपनी हैंडल करती होगी एंड वो कंपनी नहीं चाहती कि उनके वीडियोस को कोई जो है यूट्यूब पर डाले और पैसा कमाए। तो इनके वीडियोस को जो कंपनी हैंडल करती है उसी के हाथ में सारा सिस्टम रहता है, वो मतलब अपना ऐसा सिस्टम बना के रखती है कि कोई उनके वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज करेगा तो उस प्लेटफॉर्म को, उस वीडियो को या फिर उस अकाउंट को जिस अकाउंट पर उनका वीडियो डाला गया है उसको डिलीट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार अगर यूट्यूब ने ऐसा नहीं किया तो कंपनियां यूट्यूब पर केस करेंगी एंड टिकटॉक की तरह इंडियन गवर्नमेंट को यूट्यूब को इंडिया में बैन करना पड़ेगा। अब क्या यूट्यूब ऐसा चाहेगा? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें इन बेचारों की क्या गलती थी। तो इसमें इन बेचारों की एक ही गलती थी, इन्होंने दूसरों के कंटेंट को डाउनलोड करके उस पर वॉइस ओवर करके डाला। क्यों किया ऐसा? मेहनत करो, पैसा कमाओ, फ्री का पैसा किसी को नहीं मिलता, जो बंदा मेहनत करता है वही पैसा कमाता है। इन्होंने पैसा कमाया उसके बाद में बंद हो गया। अब अगर ये चाहते हैं, देखो दो चीजें होती हैं, पहला पैसा कमाना, दूसरा पैसा कमाते रहना। इन्होंने कमा लिया लेकिन कमाएंगे नहीं। और दूसरे टाइप के बंदे होते हैं जो पैसा कमाते रहना चाहते हैं, वो अपने खुद का कंटेंट बनाते हैं और पैसा कमाते रहते हैं। एंड यार देखो, अगर आज के वीडियो से किसी को भी थोड़ा सा भी बुरा लगा हो या फिर थोड़ा सा भी यार ऐसा फील आ रहा हो तो यार सॉरी, देखो जो रियलिटी है वो मैंने बता दी, अब कर भी क्या सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या वॉइस ओवर फैक्ट चैनल मोनेटाइज होंगे? तो बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। इट्स तरुण 07, फैक्टोहोलिक, इनके चैनल मोनेटाइज है और पैसा भी कमाएंगे। क्यों? क्योंकि यार ये फैक्ट वीडियो बनाती है, कुछ मेहनत करती है, जो बंदा अपने वीडियो को एडिट करता है, वॉइस करता है, मतलब कुछ इधर उधर कर देता है उसका चैनल डिलीट नहीं होता। ये क्या करते थे, सीधा वीडियो डाउनलोड किया, वॉइस ओवर किया, अपलोड कर दिया। अभी आप एक काम करो, पुष्पा मूवी कहीं से डाउनलोड करो, वॉइस ओवर करो, उसको अपलोड कर दो, सीधा चैनल डिलीट होगा। इस चीज को समझा करो। अब अगर आपको शॉर्ट वायरल करने की मस्त सी ट्रिक जाननी है तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करके फुल वॉच कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।